क्वेश्चन में क्या लिखा भैया? बात ऐसी है, आपको पता है एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन, आपको पता है खपत बराबर खर्चा बराबर होता है, खर्चा बराबर होता है कीमत कीमत गुणा खपत, यही होता है ना एक्सपेंडिचर के लिए प्राइस इंटू कंजप्शन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से भैया, जो शुगर की कीमत है वो 20% कम हो गई। सवाल क्या है? शुगर की कीमत में 20% की कमी आ गई, जिससे जिसकी वजह से कोई पर्सन है वो 160 रुपए में 4 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता है। मतलब कहने का ये है, शुगर की कीमत में 20% की कमी आ गई, जिससे 160 रुपए में 4 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता है। तो भैया कीमत बता दो कितनी थी ओरिजिनल। ये क्वेश्चन तो इतना आसान है ना, बस क्या बताऊं आपको। देखो 20% कीमत घटी है ना, 20% का मतलब होता है 1/5, तो ये 5 रुपए कीमत थी, 4 रुपए हो गई। खर्चा 160 ही है भाई साहब, इसमें कोई कमी बढ़ोतरी नहीं है। सुनिए 160 का खर्चा था ना, 5 रुपए कीमत, तो इसका मतलब कितनी चीजें खरीद पा रहा था, कितनी चीजें खरीद पा रहा था यहाँ पे बताओ, 5 या 15 32 किलो चीनी खरीद पा रहा था। यहाँ पे कितनी 160 रुपए खर्चा है, 4 रुपए कीमत है, तो कितनी खरीद पा रहा है 40, तो कितनी ज्यादा खरीद पा रहा है 8, लेकिन सवाल में कितनी ज्यादा खरीद पा रहा है 4 kg। इसका मतलब ये हुआ हमने कहीं ना कहीं डबल मामला ले लिया, तो 8 की वैल्यू 4 है तो 32 की वैल्यू 16 kg हो जाएगी। इसका मतलब 160 रुपए में 16 किलो चीनी आती है, तो 10 रुपए का रेट हो गया भैया। जब 160 रुपए में 16 किलो चीनी आती है तो 10 रुपए किलोग्राम का रेट हो गया, खत्म, कुछ भी नहीं है सवाल में। बात समझ में आ गई।